कि गाइस देख सकते हो इस वाली बस में जा रहा हूँ मैं जयपुर, और इस टाइम अलीगढ़ से बाहर आ चुके हैं हम। ये इधर है सासनी गेट चौराया और आगरा होते हो जाएगी जयपुर। इस टाइम कहीं हम ढाबे पे रुके हुए हैं अलीगढ़ से निकलने के बाद, मथुरा के बाद रुके हैं कहीं। भरतपुर हाईवे है ये, भरतपुर के लिए गया पीछे। और हमारे साथ कौन है देखिए, ललित भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। कुछ हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, क्या हो रहा है क्योंकि टाइम का पता ही नहीं है यार, कहाँ चल रहे कहाँ नहीं चल रहे। और आप देख ही चुके हो ललित भाई को, तो हम किसी ना किसी काम के लिए जा रहे हैं, बट बड़ा काम है, वो सरप्राइज है, आपको दिखाएंगे हम ब्लॉग में ही, बने रहिए। अभी तो फिलहाल नाइट में कुछ दिखाने लायक है नहीं है, तो जहाँ रुकती है बस वहीं पे हम दिखा देते हैं, बात कर लेते हैं आपसे। चलिए मिलेंगे, आप कुछ खाने के बाद मिलते हैं। चलिए गाइस देख सकते हो हमें मिल चुका है रूम, और ये देखिए ललित भाई लेट हुए हैं और अभी उतरे हैं बस से, और स्टैंड के पास ही होटल ले लिया हमने रूम। और देख सकते हो हम अभी आंखों में नींद भरी हुई है, पहले 2 घंटे की नींद लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं। चलिए मिलते हैं, सोने के बाद मिलेंगे, उठने के बाद मिलते हैं। चलो पहले सो लें, उसके बाद मिलते हैं। फिलहाल इस टाइम हम चाय पी रहे हैं, देखो एक साथ टाइम भर गया है। अभी रूम से निकल के आए थे चाय पी ले यार, मन कर रहा था सोकर उठ के आए, देख सकते हो अभी आंखों में नींद भरी हुई है, देख लो। पर चाय पी लें, और पीछे मार्केट आप देख सकते हो, और बस स्टैंड भी पीछे ही है हमारे, बस स्टैंड पीछे है, रोड पे ही है। चलिए मिलते हैं अभी आपको, चाय पी लें। गाइस देख सकते हो अब हम आए हैं खाना खाने ढाबे पर, और कोई नहीं है देख सकते हो, बस ललित भाई के सिवाय और इधर मेरे सिवाय कोई भी नहीं है, हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है। और इस टाइम हमने है स्पेशल थाली ऑर्डर की है, और देख सकते हो प्राइस 160। अब लगे हुए हैं भाई खाने के लिए, आने दो, खाने का वेट कर रहे हैं, जल्दी खाना आएगा, आएंगे आपको भी दिखाएंगे, चलिए दिखाते हैं हम आपको। गाइस देख सकते हो आप, खाना आ चुका है और खाना तो डिलीशियस लग रहा है, तो चलिए खाते हैं और मिलते हैं। आपको खाना है तो आ सकते हो, खाइए हमारे साथ, एंजॉय कर सकते हो, बट दूर से नहीं खा सकते, साथ में बैठ के ही खा सकते हो। चलिए आए, सॉरी, चलिए खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो गाइस इस टाइम हम रेडी हो चुके हैं बाहर घूमने के लिए, तो अभी जाते हैं देखते हैं, एंड अभी बाहर लिख के बताते हैं क्या है क्या नहीं है। जा रहे हैं हम भी अनजान, ललित भाई भी अनजान, सभी अनजान, आप भी अनजान, नहीं कुछ लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो अनजान है ही नहीं है, वो तो विजिट कर चुके हैं जयपुर को, मैं पहले भी कर चुका हूँ एक बार, उस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था लॉकडाउन से पहले, बट अब तो विजिट करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और फिर शाम को तो सरप्राइज 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 है, वो तो दिखेगा ही आपको। चलिए मिलते हैं बाहर, मिलते हैं चलिए होटल के। किंग सिटी की मार्केट है, ये सारी सारी मार्केट है, दूसरी साइड भी देख सकते हैं, ये सारी मार्केट है, ऑल मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, पुरानी मार्केट है ये। और थोड़ी देर में बस पहुँचने वाले हैं, सामने ही हवा महल आने वाला है, आपको दिखाएंगे कितने की टिकट है, क्या क्या प्रोसेस होता है, सारी बात बताऊंगा मैं आपको। देख सकते हो हम इस टाइम पहुंच चुके हैं अंदर हवा महल के अंदर, और टिकट के लिए जा रहे हैं, टिकट लेने जाना है, अभी टिकट नहीं मिला है हमें, चलो टिकट काउंटर पे मिलते हैं। तो भाई टिकट ले रहे हैं, ये रहा टिकट काउंटर। और ललित भाई कितने की टिकट, 2 जने की। एंट्री गेट ये है, और आप देख सकते हो इधर जाएंगे हम टिकट लेके, अब विजिट करेंगे थोड़ी देर में। ललित भाई टिकट दिखाना, यार देखो टिकट, ये एंट्री कर चुके हैं हम। और ललित भाई कहाँ भाग रहे हो आगे इतना एक दूसरे को दिखा रहे हैं हम ललित भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं मैं भी, और देख सकते हो ये एंट्री गेट है,
और पहले विजिट कर चुके हैं फिर भी भूल जाते हैं, देख रहे हो। टिकट आपके पास है? ये टिकट लगाओ, देख सकते हो ये एंट्री गेट है, यहाँ पर टिकट चेक होती है और ये हम एंटर कर चुके हैं और चलते हैं ऊपर देखते हैं। लगे हुए हैं, धूप बहुत भयंकर वाली हो रही है। तो गाइस आपको मैं हवा महल की डिटेल बताता हूँ, ये हवा महल के नाम पड़ा है। यहाँ पर 993 खिड़कियाँ हैं, वो स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया था, राजपूतों की महिलाएँ थी मतलब पत्नियाँ, तो उनके लिए स्पेशली बनाया गया था क्योंकि बाहर जितने भी कार्यक्रम होते थे वो खिड़कियों से देखती थी, तो शहर के जितना भी देखना है शहर को भी इसी खिड़कियों में से देखती थी, इसलिए इसका नाम हवा महल पड़ा। इसमें 953 खिड़कियाँ हैं तो इसे हवा महल कहते हैं, और आगे डिटेल आपको बताएंगे डिटेल्स। चलते जा रहे हैं, टॉप पर पहुँचने वाले हैं। यार भराती धूप क्यों लगती है, ओह माय गॉड ललित भाई, धूप इतनी भयंकर देख सकते हो आप। और अभी और टॉप पर जाएंगे हम, खिड़कियाँ दिखाते हैं, वो आपको देख रहे हैं ना छोटी छोटी खिड़कियाँ, एक तो ये हैं और बाहर वाली खिड़कियाँ दिखाते हैं जहाँ से रानियाँ देखती थी बाहर का माहौल। चलिए दिखाते हैं आपको, देख सकते हो ये खिड़कियाँ हैं छोटी छोटी, इसमें से रानियाँ देखती थी बाहर का माहौल, अभी इस टाइम दिखा नहीं सकता। और ये पूरा का पूरा इधर से देखती थी, प्रोग्राम होता था, ये छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो आप। और ये आंगन है, यहाँ से आंगन देख सकते हो आप, और ये 8 मंजिला है, ये पूरा 8 मंजिला, तीसरी मंजिल पता नहीं चौथी मंजिल पर आ चुके हैं, 8 मंजिल आया ना ये देख सकते हो। सामने है जंतर मंतर और ये है नारगढ़ फोर्ट, सामने दिख रहा है आपको, ये नारगढ़ फोर्ट है। फिलहाल तो हम इधर नहीं जाएंगे, फिर किसी दिन आऊँगा तब विज़िट कराऊँगा। बहुत बड़ा है यार, 23-24 किलोमीटर का है ये पूरा पीछे तक, और आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। इस टाइम हम बाहर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं ढोकली बाहर। ढोकली बाहर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, और ये छोटी मोटी मार्केट है हवा महल के अंदर की, देख सकते हो आप। जी देख सकते हो ये है बाहर से पूरा, ये ऐसा लगता है बाहर से। तो उतर चुके हैं हम, इस टाइम जा रहे हैं अपने होटल, वहाँ से हवा महल से आ चुके हैं घूम घाम कर, अब जाएंगे हम डेस्टिनेशन पे जाएंगे हम। ललित भाई खाली प्लेट लेके क्या कर रहे हो, दो फोन में, अरे के नहीं दो फोन से, दो फोन लेके क्या कर रहे हो। ओ माय गॉड, देख लो गाइस कितनी सारी गर्लफ्रेंड है ललित भाई की, दो फोन चला रहे, दो पर डील कर रहे हैं, अभी देखो तीसरा निकल गया, देखो कितने डील करते हैं ये, अरे के नहीं, अरे ललित भाई किसी को इतना मत तरसाओ। और देखो खाली प्लेट लेके बैठे हुए और इधर गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। देख लो ललित भाई कितना बात कर रहे हैं, देख लो गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं। पर्सनल से बात कर रहे हैं, अभी खाना आ चुका है और ललित भाई सब कर रहे हैं हमारे लिए भी अपने लिए, और देख सकते तो खाना खाते हैं। आज दाल मंगाई है, दाल फ्राई और छोले पनीर, और नान है, रायता है और सलाद है। चलो खा कर मिलते हैं आपको। इस टाइम हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, निकल चुके हैं होटल से। गाइस बस वाला इतना परेशान कर रहा है पीछे से, पूछो मत, हॉर्न पे पहले वो ही बोल ले या हम बोल ले। चलिए अब मिलते हैं डेस्टिनेशन पर पहुँच कर। गाइस देख सकते हो आप सामने ब्लैक आउट, इसी में जाना है हमें ब्लैक आउट में, देखते हो क्लब आउट के लिए कितना रस है, लाइन लगी हुई है एंट्री के लिए और काफ़ी, और ये ललित भाई खड़े हुए हैं और दोस्त हैं हमारे, न्यू दोस्त कुणाल, एंड आपका नाम क्या है? रौनित भाई, तो आज हमारी न्यू फ्रेंड है ये। यही होता है भाई, एक सिंगल लाइफ एक डांसर लाइफ की ब्लॉगिंग लाइफ है, यही होता है। तो आप देख सकते हो गाइस ठप्पा लग चुका है एंट्री होने का, और सभी के लग चुका है, और
मिलन भाई आ रहे हैं, अभी अंदर भी दिखाऊंगा आपको गाइस। व्हाट्स अप जयपुर, क्या हाल है तुम्हारा? एक नंबर। चलो सबसे पहले मुझे शादी की बधाइयां दो, मैंने शादी कर ली है। मौत आनी है आएगी, जान जानी है जाएगी, और ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ क्या हो किसने जाना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ बहुत खूबसूरत लोग, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, मगर फोन दे रहा, मुझे गिफ्ट दे रहा, फोन मेरे से एक नहीं संभल रही, मुझे क्या कर दे रहा भाई। दो बोले ना मुझे नाथ से मिला, दो भोले नाथ मुझे नाथ से मिला, दो भोले नाथ से मिला, दो भोले नाथ से मिला, दो भोले नाथ से मिला, दो मिला, दो भोले नाथ से 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 मिला। पार्टी करने को तैयार हो तुम? गाइस फिलहाल इस टाइम हम रूम पर आ चुके हैं यार, बहुत नाइट आउट बहुत हो गया यार, और इतना रश था, परेशान हो गए थे। और मैंने कुछ अंदर का क्लब का कुछ सीन दिखाऊंगा, क्योंकि ये मैं स्पेशली बच्चों के लिए ब्लॉग बनाता हूँ और बच्चों के लिए सीखने को मिलता है, तो मैं थोड़ा सा क्लब के सीन रखूँगा बाद में, अदरवाइज रखूँगा नहीं, क्योंकि गलत इंप्रेशन पड़ेगा बच्चों पे, तो मैं आगे का दिखाएंगे। चलो अभी तो मैं 2 घंटे की नींद लेते हैं, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में बस है तो उससे लिख लेंगे सुबह, तो अभी सोते हैं फिर सुबह ब्लॉग करते हैं। अभी मैं ब्लॉग एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं घर पर जाकर एंड करूँगा, तो मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आपको सभी को। मैं सुबह हो चुकी है और होटल से चेकआउट कर चुके हैं, हम बस स्टैंड पे हैं, हम जयपुर के मेन बस स्टैंड पे, तो इस टाइम हम निकलेंगे, 6:50 की बस है और 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, और फिर इसी के बाद शाम को फिर से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा, कहीं और जा रहा हूँ मैं यहाँ से, जयपुर से यहाँ से घर पर पहुँचूँगा अलीगढ़ से, शाम को ही फिर अपने घर से होम टाउन से फिर कहीं और जाना है, वो आपको ब्लॉग में दिखेगा कहाँ जा रहा हूँ मैं बुधवार से। अब तो आपके लिए डेली ही ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे, मैं आपके लिए टूर करता रहूँगा, घूमता रहूँगा, तो चलिए मिलते हैं, मेरे साथ बने रहिए, आगे बस मिलते हैं, चलिए बाय बाय जयपुर, हम जा रहे हैं अब अपने बैक टू होम। गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी देखो हमारे ललित भाई आगे ड्राइव कर रहे हैं, हमने कोई नहीं, यही तो होता है एंजॉयमेंट। अब जा रहे हैं हम बैक टू होम। तो गाइस मैं फिलहाल घर पे आ चुका हूँ और अब मैं नहा धो के रेडी हो गया था यार, क्योंकि कहीं और भी तो जाना है बताया था मैंने, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, और आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फ्रेश ब्लॉग के साथ आता हूँ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।